जैसा कि आपको विदित होगा कि गौतम बुद्ध पुलिस ने एसएसपी साहब के निर्देश पे इस टाइप के जो साइबर क्राइम हैं, जो कि ऑनलाइन बेरोजगारों को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे की उगाही करके उनको तरह तरह के प्रलोभन देके उनको ठगने का काम करते हैं, तो उनके विरुद्ध लगातार अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत थाना फेज 3 अंतर्गत साइबर टीम, जो नोएडा नोएडा पुलिस की एक साइबर विंग है, उसकी और स्थानीय पुलिस थाना पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में ये एक छापेमारी की गई। इस छापेमारी में एक विंटेक जॉब डॉट कॉम के नाम से कंपनी का पता चला, और इनकी जो मॉडस अप्रेंडी है वो ये मेनली जो बेरोजगार युवक हैं उनको विभिन्न कंपनियों में नौकरी देने का प्रलोभन देकर उनसे स्टेप बाय स्टेप पैसे की वसूली करते थे, और उनको झूठे झूठे कहते हैं अपॉइंटमेंट लेटर देना, इंटरव्यू लेटर देना, इस तरह करके उनको बेवकूफ़ बनाकर इससे कार्य करते थे। इसमें जो अभी गिरफ्तारी का विवरण है उसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और इनसे इस कंपनी में छापेमारी के दौरान इसमें एक लैपटॉप, 7 डेस्कटॉप सिस्टम्स और 18 मोबाइल, चेकबुक और इंटरनेट कनेक्शन डिवाइसेस ये सब मिली हैं, बरामद हुआ है। इसकी पूछताछ तो चल रही है कि इनका डाटा बैंक काफ़ी बड़ा है, एक्सेल सीट इसमें प्राप्त हुई है, और ये एक कोई कहते हैं पुराना डाटा रखते नहीं, कितने लोगों से ठगी हो गई, क्योंकि इनके डेस्कटॉप सिस्टम्स होते हैं जिसमें कि 12-15 लोग एक साथ काम करते हैं, तो इसमें मोर देन कहते हैं इन्होंने 200-250 लोगों से इन्होंने ठगी कर चुके हैं अभी तक, जो प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त हुए हैं, और इनकी जो सिस्टम की एनालिसिस की जा रही है और इसमें लगातार शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं, तो एक एग्जैक्ट फिगर हम कुछ दिनों बाद दे पाएंगे।